ये देखें कितनी प्यारी सुनहरी सुनहरी रोटियां बना रही हूँ मैं, बादाम और तिलों वाली रोटियां, यानी कि हमारे बुजुर्गों के कहने के मुताबिक ये रोट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं आज बनाने लगी हूँ मीठी रोटी गुड़ वाली, यानी कि जिसको रोट कहते हैं। उसके लिए मैंने लिए ये एक कटोरी पौनी कटोरी तिल और ये कटोरी बादाम है, ये सौंफ है और ये आटा है और ये तकरीबन आधा किलो गुड़ था जिसको मैंने पानी में हल कर लिया। ये हम बादाम थोड़े से पीस लेते हैं, यानी कि कूट लेते हैं। अच्छा जी, ये बादाम डालते हैं, बिस्मिल्लाह, ये सौंफ और ये तिल, सफ़ेद तिल, इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं जायके के लिए, हल्का सा ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाह, ये अच्छे से मिक्स कर लेना सारी चीज़ें, ज़्यादा घी का मसला होता है, बाकी चीज़ें मिक्स आराम से हो जाती हैं। गुड़ का पानी जो बनाया हुआ मैंने, इसको हलाना नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी जो किरक शिरक होती है वो नीचे बैठ जाती है, इसको आराम आराम से इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छा अच्छी तरह मीठा जो है पूरा मैंने डाला है, ये हल्का नहीं होगा। अब इसको गूंदना है तो सादा पानी से भी गूंद सकते हैं, इसलिए कि हाथ में बार बार चिपकता है दूसरा जो गुड़ वाला होता है आटा। अच्छा आटा गूंद लिया मैंने, अब इसको रेस्ट पे रखते हैं 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इस आटे के पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी कोई भी पकानी हो तो खुश्के में मैदा ज़रूर रखना चाहिए, खुश्का जो मैदे का लगेगा तो रोटी भी साफ आती है और नरम होती है। तो ये जो मीठी रोटी बना रही हूँ, जो मेरी फुफो जान थी बड़ी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, ये वो बनाती थी जुमे रात को ज़रूर बनाती थी फुफो जान मेरी, जो मेरे बच्चों की दादी अम्मा थी। तो हमारे गांव में जो कब्रस्तान है उसमें 4-5 बुज़ुर्गों के मज़ारात थे, तो उनको कहते थे पंज पीर, तो वो कहते थे बनाए और पंज पीरों में भेजे ये रोट बना के, जुमेरात को ज़रूर बनाते थे और पंजी पीरी कहते थे, पंजी पीरी भेजे बना के। तो आज मुझे भी शौक आया, मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ, तो मैंने बच्चों को बताया तो बच्चे कहने लगे कि आप बना के हमें खिला दें। पेड़े मैं खुद ही बड़े रख रही हूँ इसलिए कि ये ज़्यादा कड़क ना हो जाए, नरम ही रखनी है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, ये इतनी इतनी बनानी है। ये तिल, सौंफ और बादाम, तो सौंफ जो है ये तो गुड़ वाली चीज़ों के साथ एक चीज़ होती है, जो इसके बगैर गुड़ वाली चीज़ का जायका नहीं आता, सौंफ को लाजमी चावलों समेत गुड़ वाली जितनी चीज़ें बनाएं उसमें ज़रूर डालना चाहिए सौंफ को, और जो मैदे वाली चीज़ें हैं उसमें अजवाइन को ज़रूर डालना चाहिए, उसमें हाजमा भी हो जाता है। इसको हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं। ये देखें कितनी प्यारी सुनहरी सुनहरी रोटियां बना रही हूँ मैं, बादाम और तिलों वाली रोटियां, यानी कि हमारे बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक ये रोट होते हैं। अच्छा ये मैंने मीठी रोटियां तैयार कर दी हैं, जो मेरी फुफो जान बनाती थी,
तो उनकी याद भी ताज़ा की है मैंने। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे बड़ों के नक्शे कदम पर चलने की, अल्लाह उनकी यादें ताज़ा रखे हमारे दिलों में। तो ये मैंने अपनी फूफो जान की याद ताज़ा की आज, तो आप मेरे बहन भाई में पसंद आए, खासकर बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार, वैसे भी हेल्दी है क्योंकि इसमें हर सब चीज़ें अच्छी डली हुई हैं। तो बच्चों को बना के आप भी दें, अचार के साथ भी खाई जा सकती हैं अगर आपका गला ज़्यादा दे रहा है, चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देगी ये रोटियाँ। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। आज की मेरी वीडियो ख़त्म हुई, मुकम्मल हो गई। अगर मेरे बहन भाई पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।